अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है, सब खैरियत? यकीन करो, इट्स रियली हैपनिंग। और यकीन नहीं आ रहा कि इनको रास्ता मिल चुका है। डीसी वालों की बात कर रहा हूँ। अब ये है कि ये लोग अपने ट्रैक पर आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊँ, जेम्स गन ने अनाउंस कर दिया है। लेकिन उन्होंने बोला क्या है, सबसे स्पेशल चीज़ क्या है, मुझे उनके स्लेट को अनाउंस करने का तरीका पसंद आया। मतलब कि एक वीडियो डाल दी, जब चाहा जिसने चाहा फौरन लगा के देख ली। एक तरीके से तो मैं बताऊँ, जेम्स गन ने स्टार्ट में खुद बोला कि हमें पता है कि हमारे डीसी के साथ क्या चल रहा है, डीसी कैसा चल रहा है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। असल में क्या चीज़ होने वाली है, अब जो आगे होने वाला है वो असल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, जिसमें हमारे पास आ जाता है गेमिंग, टीवी शोज और मूवीज़, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। एनिमेटेड मूवीज़ के अंदर जो डबिंग आर्टिस्ट होंगे, माइट बी पॉसिबल वही होंगे जो ही एक्टर्स असल में लाइव एक्शन में परफॉर्म करेंगे। हाँ, जेम्स गन के अंडर ऑब्जर्वेशन में जो मूवीज़ रिलीज होंगी वो अलग होंगी, लेकिन उससे अलग जैसे मैट्रिक्स का बैटमैन है, द जोकर है, जिसको अलग एक नाम दिया गया है, डीसी एल्सवर्ल्ड, और ये ऑफिशियल नाम है। अपकमिंग मूवीज के ऊपर बात करी हमारे जेम्स गन ने, तो शज़ैम 2 मूवी अपने में एक यूनिक है। जेम्स गन ने बोला द फ्लैश मूवी बेस्ट मूवी है, और ऐसा ही है। ब्लू बीटल मूवी आने वाली है, नए डीसी का हिस्सा होगी। एक्वामैन 2 भी आएगी। डीसी के चैप्टर 1 का जो नाम उन्होंने बताया वो है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। बताऊँ सबसे पहले जो चीज रिलीज करने वाला है वो एक एनिमेटेड सीरीज क्रिएचर कमांडोज, उसके बाद एक वॉलर के ऊपर सीरीज आएगी जो कि होगी लाइव एक्शन। पहली फीचर फिल्म जो होगी वो होगी सुपरमैन लेगेसी, जिसको खुद जेम्स गन लिख रहे हैं। इसकी जो डेट आई है वो है 11 जुलाई 2025। ग्रीन लैंटर्न के ऊपर लाइव एक्शन टीवी सीरीज आएगी अथॉरिटी। द अथॉरिटी असल में एक क्रॉसओवर फिल्म होगी, और उससे अगली चीज हमारे पास आती है पैराडाइज लॉस्ट, वंडर वुमन से रिलेटेड एक टीवी सीरीज होगी। जो मैट्रिक्स वाली बैटमैन है वो एल्सवर्ल्ड का हिस्सा होगी, लेकिन जो जेम्स गन की मूवी का हिस्सा होगी वो वाली बैटमैन मूवी का नाम होगा ब्रेव एंड बोल्ड। उसके बाद आएगी एक बूस्टर गोल्ड, एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी, एक सुपर गर्ल के ऊपर एक मूवी आएगी, स्वैम थिंग एक हॉरर मूवी आएगी, और ओवरऑल अगर मैं तुम्हें बताऊँ यही है सब कुछ। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। एल्सवर्ल्ड अलग होगा, डीसी यूनिवर्स अलग होगा, यही है सब कुछ। तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस जैसी वीडियोस देखनी है चैनल को मारो सब्सक्राइब, मुझसे पर्सनली मिलना है, मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तब तक देखते रहो महसूस, प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।